छोटा चिरोला निवासी रामेश्वर की हत्या का खुलासा बुधवार शाम मंडी थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में एएसपी आकाश भूरिया, सीएसपी मनोज रत्नाकर और मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद शर्मा ने किया। हत्या की मुख्य वजह लेन देन रही। रामेश्वर ने एक साल पहले 60,000 रुपये उधार दिए थे, जिसे वह वापस मांग रहा था। इसे लेकर ही आरोपियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। आपको बता दें कि 27 जुलाई को गांव बनवाड़ा में चंबल किनारे एक शव मिला था, जो अंधा कत्ल बन चुका था। शिनाख्त के बाद शव का परीक्षण इंदौर कराया गया, जिसमें युवक की हत्या करने की बात सामने आई थी। पुलिस ने हत्या के मामले में श्रीराम कॉलोनी निवासी राज मिस्त्री, समृत पिता निर्भय राम, गढ़ी भैसोला निवासी उसके 2 साले बबलू पिता रामचंद्र, रवि पिता दयाराम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छोटा चिरोला निवासी भेरूलाल पिता रामचंद्र अभी फरार है। 2020 को नागदा थाना नागदा के ग्राम बनवाड़ा में चंबल नदी के किनारे पर किसी अज्ञात व्यक्ति की मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर थाना प्रभारी नागदा एवं अपनी टीम के द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुँचे, जहाँ पर FSL टीम को भी बुलाया गया और निरीक्षण किया गया। एक सड़ी गली लाश मौके पर पाई गई और घटना के बारे में जब बारीकी से पता किया गया तो मृतक जो है वो थाना खाचरोड से एक गुम इंसान शंकर, मृतक रामेश्वर पिता शंकरलाल राठौर, जो कि दिनांक 20 तारीख को घर से गायब था। आगे पूछताछ पर घर वालों के कथन और उसके दोस्तों के कथन पर पता चला कि उसका साथी मिस्त्री समृत बलई जो है, जिसको मृतक ने 60,000 रुपये 2% ब्याज पर उधार दिए थे, जो एक साल पहले दिए थे और समृत द्वारा उसके पैसे अभी तक लौटाए नहीं गए थे, जिसकी को मृतक द्वारा बार बार उससे मांगा जा रहा था। तो दिनांक 20 तारीख को भी वो 60,000 रुपये जो अपने ब्याज सहित 60,000 रुपये लेने के लिए आरोपी समृत के पास गया। उसके साथ में भेरूलाल करके भी एक संदेही है, जो साथ में ही था। जब इस बारे में और बारीकी से पूछताछ की गई तो दिनांक 27 को जो लाश मिली है, 26 तारीख को मृतक की मोटरसाइकिल ग्राम फानपुर और मल्लाखेड़ी गांव के बीच में पुलिया के नीचे मिली थी, जिस पर से और थोड़ा संदेह समृत पर बढ़ा। और जब बारीकी से इस मामले में जांच की गई तो समृत को कस्टडी में लिया गया। समृत के साथ में उसके 2 साले बबलू और रवि को भी कस्टडी में लिया गया। कस्टडी में लेने के बाद जब इनसे बारीकी से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया मृतक जो है समृत से 60,000 रुपये जो उधार दिए थे वो मांगता था और 2% ब्याज सहित उसके 90,000 रुपये हो रहे थे। और साथ में ये लोग मृतक को लेकर के चंबल नदी के किनारे घटनास्थल पर पार्टी करने, शराब पार्टी करने गए और जहाँ पर इन दोनों के पैसे को लाकर, पैसे की बात को लेकर के बहस हुई और बहस के दौरान इन लोगों ने शराब के नशे में मृतक पर चाकू से और बियर की बोतल से हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद उन्होंने उसकी डेड बॉडी को वहीं पर झाड़ियों में दबा करके रख दिया और वहाँ से फरार हो गए। अब 27 तारीख के दिन सवेरे जब उसकी लाश मिली तो इनको खबर हो गई कि उसकी लाश मिली है और वहाँ से ये लोग इधर उधर होने का प्रयास में थे, जहाँ पर पुलिस ने बड़ी ही तत्परता से इनको कस्टडी में लिया और कस्टडी में लेने के बाद जब पूछताछ की तो इनके द्वारा मृतक की हत्या कर शव को वहाँ पर छुपा देना स्वीकार किया गया। इस मामले में पुलिस ने प्रथम आरोपी समृत जो कि मुख्य आरोपी है, दूसरा आरोपी बबलू बलई, तीसरा आरोपी रवि बलई, तीनों को गिरफ्तार किया है और चौथा आरोपी जो इसमें फेरूलाल है वो घटना दिनांक से ही फरार चल रहा है, तो उसको भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जा रहा है।